नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन 8th हाउस के बारे में। देखिए, अगर हम लोग शास्त्रीय व्यू की बात करें, जो कि हमारे क्लासिक्स हैं, अगर उनके बारे में हम बात करें, तो उन्होंने जुपिटर इन 8th हाउस को काफ़ी प्रेस किया हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि जुपिटर जब भी 8th में प्लेस्ड होता है तो वो जातक को दीर्घायु देता है, यानी कि कंप्लीट एज वो अपनी जीने के ही उसके बाद ही वो इस दुनिया को छोड़ कर जाता है। तो इस वजह से जुपिटर इन 8th हाउस को काफ़ी प्रेस किया गया है। अगर हम जुपिटर इन 8th की प्लेसमेंट को देखें तो यहाँ बैठ के जुपिटर जो है वो अपने 5th एस्पेक्ट से 12th हाउस को देखता है, 7th एस्पेक्ट से 2nd हाउस को देखता है, और अपने 9th एस्पेक्ट से वो 4th हाउस को देखता है। तो इस वजह से जो 12th हाउस है, अगर हम माने तो जो 12th हाउस है वो 9th जो कि धर्म है उससे 4th हाउस है। तो 9th हाउस जो है वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है, हमारे गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग भी जिनका भी जुपिटर 8th में प्लेस्ड होता है, जनरली ये बाय नेचर रिलीजियस होते हैं और इनका जो स्पेंड है वो रिलीजियस टूर्स, आश्रम में विज़िट करना और गुरु की सेवा, इन चीज़ों पे इनका स्पेंड काफ़ी रहता है। बिकॉज वो 2nd हाउस को यहाँ से एस्पेक्ट कर रहा है, तो वेल्थ के मामले में भी ये लोग लकी होते हैं और मनी जो है वो ईज़िली इनके पास आ जाती है। बिकॉज ऑफ 9th एस्पेक्ट ऑन दी 4th हाउस, जो 4th हाउस है वो सुख स्थान है, घर रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है हमारी कुंडली के अंदर, और मदर भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनका भी जुपिटर 8th में प्लेस्ड है, जनरली काफ़ी लाइफ में सुख एक्सपीरियंस करने को मिलता है और जनरली इनको प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो क्लासिकल व्यू है। लेकिन अगर हम लोग एक मॉडर्न कंसेप्ट में इस जुपिटर को देखें, तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है इन माय एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव सीन इज़ कि देखिए, बिकॉज एक तो जुपिटर 8th हाउस में बैठ के 2nd को भी देख रहा है, तो ऐसे लोगों के पास एक नेचुरल वाक सिद्धि होती है। ये लोग बोलने में काफ़ी मीठे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और जनरली अगर किसी के लिए कुछ भी अच्छा बोलेंगे तो वो ट्रू हो जाता है। बिकॉज 8th हाउस है यहाँ पे, तो ऑकल्ट और एस्ट्रोलॉजी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इस वजह से जुपिटर इन 8th जो है ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट देता है और जो डिफरेंट अकल्ट साइंसेज हैं उसमें भी इंटरेस्ट देता है। बिकॉज 8th हाउस जो है वो 9th से 12th है, तो ऐसे लोग जो हैं जो अल्टरनेट सिस्टम्स हैं, जिस धर्म में पैदा हुआ है उसके अलावा जो दूसरे सिस्टम्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हिंदू हो और इंस्टेड ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी इफ़ इज़ डूइंग टैरो और अदर न्यू एज वेस्टर्न सिस्टम्स, तो उनको सीखता है तो वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल हो जाता है। तो इसी वजह से जुपिटर जब 8th में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोग जो हैं वो अनकन्वेंशनल, अपने धर्म से हटकर भी चीज़ें सीखेंगे और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया ही है कि इन लोगों का वाक जो है वो काफ़ी प्योर होता है और किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो हमेशा सच हो जाता है, तो ये उस प्रॉपर्टी को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। एक और चीज़ मैंने नोट की है कि ऐसे लोग जो हैं जिनका भी जुपिटर 8th में प्लेस्ड है, बिकॉज ऑफ एस्पेक्ट ऑन दी 12th हाउस, इनका स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। और इनफैक्ट अगर ये जुपिटर किसी तरह से इनके 10th के साथ लिंक रखे और प्रोफेशन के साथ जुड़ जाए, तो ऐसे लोग जो हैं ये स्पिरिचुअलिटी को एज अ प्रोफेशन भी बना लेते हैं, और मतलब दे कैन बिकम स्पिरिचुअल गुरुज। और आजकल जैसे न्यू एज टीचर्स हैं जो लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं वो भी कर पाते हैं। तो ओवरऑल जुपिटर की प्लेसमेंट जो है वो 8th में अच्छी ही मानी गई है। बट एक चीज़ यहाँ पे मैंने ज़रूर ऑब्ज़र्व की है कि देखिए, जुपिटर जब 8th में प्लेस्ड होता है तो हमारे को जो जुपिटर जिन साइंस को रिप्रेजेंट करता है कुंडली में उनको भी देखना चाहिए। बिकॉज जिन भी कुंडलियों के लिए जुपिटर अगर मैलेफिक बन जाता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। एक मैंने जो प्रॉब्लम देखी है इन बिकॉज ऑफ जुपिटर इन 8th हाउस, वो ये है कि ऐसे लोग जो हैं इनकी
जनरली फैट गेन करने की टेंडेंसी रहती है और उसको ये थोड़ा सा नहीं कंट्रोल कर पाते। लिवर डिजीज़ेस हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, तो इस तरह के इनको जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जो भी मतलब सेडेंट्री लाइफ जीने की वजह से या फैट ज़्यादा गेन करने की वजह से जो भी ज़िंदगी में बीमारियां आती हैं, वो ये 8th का जुपिटर दे सकता है। अब जो 8th हाउस है वो 7th से 2nd हाउस है, तो यानी कि वो कुंडली के अंदर सुहाग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से बिकॉज़ जुपिटर जब यहाँ प्लेस्ड है, तो इन लोगों के जो भी हस्बैंड या वाइफ होते हैं, ये इनके साथ डिवोटेड होते हैं और उनकी भी लॉन्ग लाइफ होती है। पार्टनरशिप से भी इन लोगों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है, और अगर ड्यूरिंग इनके जब भी तक ये लाइफ में काम कर रहे हैं, मतलब जो वर्किंग एज होती है, अगर उसमें इनको जुपिटर दशा मिल जाए, तो बिकॉज 8th हाउस जो है वो 10th हाउस से 11th है, तो इस वजह से अगर इनको गुरु की दशा मिल जाती है ड्यूरिंग देयर वर्किंग एज, जब इनकी काम करने की उम्र है उसमें, तो ये इस दशा में काफ़ी अच्छा पैसा बना पाते हैं। तो ओवरऑल मैं जुपिटर इन 8th हाउस को अच्छे रिजल्ट्स के लिए ही मानूंगा और जनरली अच्छे रिजल्ट देते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर गुरु जो है वो 8th हाउस को ही ओन करता हो, व्हेन गुरु जब हम 8वें में देख रहे हैं, तो उसका अपना ही घर हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टॉरस लग्ना की बात करें, तो टॉरस के अंदर जो जुपिटर है वो 8th को ओन करता है और यहीं पे प्लेस्ड होगा, तो ऐसे केसेस में जुपिटर जो है वो 8वें के रिजल्ट ज़्यादा देगा और 11वें के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उतने नहीं दे पाएगा। ये चीज़ हमें ज़रूर ऑब्जर्व करनी चाहिए। और अगर जैसे मैंने बताया ही है कि गुरु जो है वो 8th में बैठ के 12th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस को देखता है, तो अगर इन घरों में जुपिटर की अपनी राशि होगी, तो उन घरों से रिलेटेड ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुंभ राशि के, कुंभ लग्न की बात करें, तो कुंभ लग्न के अंदर जो जुपिटर है वो 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज वहाँ पे मीन राशि आ जाती है, तो वो 2nd से रिलेटेड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा। ऐसे लोग जो हैं वो पैसे के मामले में काफ़ी लकी होंगे और कुटुंब के मामले में लकी रहेंगे, मतलब फैमिली के मामले में, और बिकॉज जुपिटर 8th में प्लेस्ड है, तो इनको फैमिली से अच्छा इनहेरिटेंस मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। आई होप ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।